वेलकम बैक टू एग्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मेरे इस केज में कई सारी वीडियोस देखी हैं जो कि मैंने बजरी से रिलेटेड बनाई, यहाँ तक कि अफ्रीकन से भी रिलेटेड बनाई। और इस समय आज से एक या डेढ़ महीने पहले 3 पेयर होते थे, मगर वो उसमें से 2 पेयर तो फिलहाल नहीं रहा, तो 1 पेयर सिर्फ बचा था। तो सोचा उसकी प्रोग्रेस आपको बता दूँ। मगर इसके लिए मैंने जो ये आप देख रहे हो, ये एक पेयर है जिसमें मेल जो है ऑरेंज होट का है और फीमेल जो है वो रेड होट की है। मगर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुई है, वो जब इसको मैंने मटके लगाए थे और आई थिंक 4 महीने पहले मैंने इस पे मटके लगाए थे, इसने 2 बार ब्रीड करी। एक बार तो इनने अंडे दिए, मगर वो अंडों को सेका नहीं, मतलब मीन्स कुछ डिस्टर्ब हो गया था उस कारण उन्होंने सेका नहीं। मगर दूसरी बार जब उसने अंडे दिए तो उसमें से 4 बच्चे उसने निकाले, और अभी फिलहाल तो आपको ना मटके दिख रहे हैं ना बच्चे दिख रहे। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुई, क्योंकि मैं था नागपुर में नहीं, तो यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, मतलब मीन्स जिस बंदे को मैंने बोला था वो खुद एक प्रॉब्लम में फंस गया था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको भी हुई। और मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर मेरे 2 क्लच खराब हो गए। यहाँ पर एक बहुत ही मसला रहता है कि अगर आपके बर्ड्स को अच्छे से केयर नहीं करा जाए तो आपकी ब्रीड तो खराब होना ही होना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो लिया था जब इसके मटके में एक बच्चा लास्ट बच्चा बचा था, क्योंकि जब मुझे लगा कि सिर्फ एक ही बच्चा निकाला होगा इसने, जिस दिन मैं आया था उस दिन का ये एक वीडियो है, तो आप देखिए स्क्रीन पे एक वीडियो आपको दिख रहा होगा। पहले तो यहाँ पर ये देखिए, उस जिस बंदे को मैंने ये बोला था कि भाई यार कम से कम दाना पानी कर देना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बाकी सब बर्ड्स अपने आप कर लेंगे, ना उसने सॉफ्ट फूड दिया ना वो, और साफ सफाई का भी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल उसने नहीं रखा, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और उसका भी कुछ पर्सनल इशू के कारण वो बहुत ज़्यादा बिजी था, उसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी है, क्योंकि ये एक पेयर को मैंने ही अपने हिसाब से किसी और इस बंदे को देना था जहाँ पर वो उसकी केयर इजीली कर सके। और ये पेयर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये पेयर अगर 4 बच्चे देता है तो उसमें से एक एक्वा ब्लू ऑपलाइन निकलता है, वो एक्वा ब्लू ऑपलाइन मुझे चाहिए, इसलिए बस ये पेयर को मैंने रखा है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, और जब मैंने मटकी इसकी साफ की तो उसमें 3 बच्चे मरे हुए थे, और दूसरे या तीसरे दिन ये जो बच्चा आपको अभी दिखा है वो भी मर गया था। तो मैंने सोचा मटकी हटा दूँ और मेरी जो कॉलोनी खंडवा में बनी है उस इस पेयर को मैं वहाँ ले जाके छोड़ूँ, वहाँ पर अच्छी ब्रीड लूँगा इससे। तो मैंने इसको रेस्ट दिया है, मतलब मटकी निकाल दी है। अगर मेरे को अभी खंडवा जाने के लिए 20 दिन है, 20 दिन बाद मैं खंडवा जाऊँगा, अगर मैं चाहता तो उसका एक क्लच निकालता था और अंडे इसके किसी और जगह सेपरेट कर देता था, मगर मैंने वैसा किया नहीं क्योंकि मुझे इसका क्लच नहीं लेना था, इसको रेस्ट पे डालना था। अब बर्ड्स को रेस्ट पे डालने के बाद इतना ज़बरदस्त हो जाता है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल इसके बच्चे अभी जैसे इसके बच्चे 4 बच्चे चारों के चारों मर गए किसी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, और अगर मैं इससे ऑलरेडी फिर वो बच्चे मटकी हटा के और फिर उसको और मटकी देते थे, तो मगर उसकी जो हालत थी बर्ड्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मीन्स वो ब्रीडिंग के लायक तो था मगर वो हेल्दी नहीं था, थोड़ी और प्रॉब्लम बर्ड्स हो सकती थी। सोचा मैंने रेस्ट दे दूँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंडीशन होती है आपके यहाँ कि कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही और वो अंडे देने वाला है, तो मटकी उसके निकाल दीजिए, उसको सेपरेट, या कॉलोनी में हो तो सेपरेट रखिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए उसे, क्योंकि वो अंडे बच्चे पालने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो सकता है। तो मैंने उससे 20 दिन का रेस्ट दिया, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अभी इसकी हालत हो चुकी है। और तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छा खासा अभी हेल्दी हो चुका है, और इसके रेस्ट के टाइम मैंने तो पहले इसको जो मैं नॉर्मल सीड मिक्स देता हूँ वो देता हूँ, और वो दिया है, और मैं इसे डेली सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ। और मैंने अभी
अभी बारिश भी थोड़ी नागपुर में हुई थी तो, और ठंडी का भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मैं इसको हफ्ते में 3 दिन चाइना क्यों दे रहा हूँ। और मेरे आइडिया से आप अगर ठंडी है तो आप चाइना क्यों लाइए और हफ्ते में 3 दीजिए, बर्ड्स की हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ना उसे ठंड लगेगी कि ना कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है। हफ्ते में 3 दिन आपने चाइना क्यों दी तो आपकी पूरी ठंडी इजिली निकल जाएगी, ना ब्रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी ना कुछ होने वाला है, तो ये एक सबसे बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से चाइना क्यों आपको हफ्ते में 3 दिन देना चाहिए, बर्ड्स अच्छे हो या बुरे हो। तो अभी टेम्परेचर भी इसका सारा मेंटेन है, और वैसे तो ब्रीड नहीं ले रहा, कॉलोनी में वहां पर ही इसकी ब्रीड लेंगे, तो वीडियो को आगे का वहीं बनाते हैं। मीन्स आगे जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो उसका भी एक वीडियो बताऊंगा कि कैसे लेके जाना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ तक ही करते हैं, एंड वीडियो आपको होप अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच।